हमने सरकार को अवगत भी कराया इसके बारे में, पर वो कोई एक्शन ही नहीं लेते। यहाँ पे शौचालय बना दिए और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, गंदे पड़े रहते हैं, जनता को परेशान जनता को परेशानी होती है। यहाँ पे जो भी है इतना गंदे पड़े रहते हैं, साफ ही नहीं होते। और तो आपने कभी अधिकारियों को बताया? अधिकारियों को हमने कई बार सूचित कराया है, लेकिन वो कोई कोई इसकी तो आप पार्षद हैं तो क्या कब चालू कराएंगे इसका कुछ है? हम इसको जल्दी चालू कराने की कोशिश करेंगे। अब जन वो अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सर इसमें कचरा चारों तरफ थैलियां बिखर जाती है, आने वाले पार्किंग वार्किंग जाम वगैरह ये लग जाता है। और मैंने राजस्थान पोर्टल जो संपर्क पोर्टल है उस पर संपर्क एक बार शिकायत डाली है, उसके बाद में आए निपा पोता करके वापस वो रवाना हो गए, कुछ नहीं करते हैं। बहुत बार शिकायतें हम ऑनलाइन भी डाल चुके हैं, कलेक्टर को भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ कार्रवाई नहीं हुई है। शौचालय बना है जनता की सुविधा के लिए बना है, बाकी सुविधाएं मिल रही है जनता? बिल्कुल नहीं मिल रही। अब जब से बना है ये बिल्कुल ताला ही लगा है इसके अंदर, और कोई सुविधा नहीं मिली आज तक इसके अंदर। चोरियाँ होती है, ऊपर नाल होते हैं ना, कोई इसमें सुविधा है कुछ भी नहीं है। आज बाहर जाना पड़ता है 2-2, 3-3 किलोमीटर, लेडीज़ों को सबको परेशानी हो रही है सर इसकी। ठीक है, रामदेव माली है सर मेरा। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे भावी प्रधानमंत्री मोदी जी जिनका यही सपना रहा है स्वच्छ भारत नया भारत, पिछले 2 साल से ये निर्माण हो चुका है। बार बार हमने कंप्लेन भी दर्ज कराई है। 181 में मैंने जब कंप्लेन दर्ज कराई तो उसमें मुझे वापस जो रिज़ल्ट आया उसमें ये लिखा गया आपके यहाँ फुटपाथ बना दिया गया है, उसे चालू कर दिया गया है। ये आपके सामने है, अभी तक चालू नहीं हुआ है ना, तो यहाँ फुटपाथ नज़र आ रहा है हमें, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये चालू है, ताले लगे हुए हैं, ये खाली कागज़ों में बनवाया गया है, कागज़ों में बन गया, कागज़ों में बजट पास हो गया और कागज़ों में ही सब काम हो गया। जनता की सुविधा के लिए बनाया गया शौचालय, वाकई में जनता के काम में आ रहा है? कहीं भी नहीं आ रहा है सर। छोटे से बच्चे से लेके एक महिला और हम जितने भी आसपास वाले यहाँ दुकानदार वाले हम हैं, सब परेशान इसी की वजह से हैं। हम सबको बाहर शौचालय करना पड़ रहा है और इसी की वजह से इतनी गंदगी हो गई है। आप देखेंगे सब आसपास कितनी गंदगी फैली हुई है, स्वच्छ का तो नाम ही नहीं है। आपने कभी प्रशासन को अवगत कराया नगर परिषद? बहुत बार कंप्लेन करा चुके हैं, बहुत बार यहाँ के जो पार्षद हैं उनको भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही हमारी। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम रवि शर्मा है और मेरी यहीं पास में ऑफिस दुकान लगा रखी है मैंने।